हेलो एवरीवन, सो आज हम बनाने वाले हैं काला चना और आलू की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने काला चना को रात भर सोख करके रख लिया था पानी में, एंड अब हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकर में ना लाइक 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल दिया था, फिर थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और स्प्लैटर होने के बाद 1 तेज़पत्ता एंड 2 प्याज मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया था, तो वो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल करके फिर से अच्छे से उसको स्टिर कर लिया था। तो जैसे ही प्याज थोड़ा पक जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर 1 कट किया हुआ छोटे पीसेस में टोमेटो डाल देंगे, और इसे भी हमें कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। तो जैसे ही हमारा टमाटर और प्याज कुक हो जाता है, उसके बाद मैं यहाँ मसाले डालूंगी, जैसे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, और उसके साथ ही साथ मैं 1 टेबलस्पून नमक भी डाल दूंगी, और अच्छे से ये सारा मिक्स कर दूंगी प्याज और टमाटर के साथ। तो जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें चना और आलू दोनों ही डाल देंगे और उसको अच्छे से मसाले के साथ कुक कर लेंगे। तो जैसे ही चना और आलू मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और एक बार अच्छे से सारे को मिक्स कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम अब कुकर का लिड क्लोज करके उसको कम से कम भी 4 से 5 विसल तक पका लेंगे। जैसे ही प्रेशर ठंडा होता है, सो गाइज आपका चना और आलू की सब्जी रेडी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही यम्मी है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तक